सो हे गाइस, वेलकम टू स्टडी स्किल सक्सेस। देन हम टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा कंक्लूजन पर चलेंगे कि जैसा कि कंफर्म था कि आज 22 दिसंबर शाम 4 बजे भारत के एजुकेशन मिनिस्टर डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, जो कि हमें स्टूडेंट्स के बीच पोकू चाचा के नाम से फेमस है, वो लाइव आने वाले हैं और लाइव आकर CBSE बोर्ड एग्जाम्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देंगे। और साथ ही साथ उम्मीद ये भी थी कि वो NEET 21 के एग्जाम डेट के बारे में एंड पोस्टपोनमेंट के बारे में इन्फॉर्मेशन देंगे। देन क्या इन्फॉर्मेशन दी? आप हमारे देश के एजुकेशन मिनिस्टर यानी कि पोकू चाचा से क्या उम्मीद करते हैं? भैया, हम तो यही उम्मीद करते हैं कि वो आएंगे, लेकिन जिस काम से आएंगे उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे, अपनी ही बातों में लगे रहेंगे और कविता सुनाकर चले जाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल यही हुआ। स्पष्ट रूप से उन्होंने कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी, अपनी ही राम कहानी उन्होंने सुनाई, जो कि हमने करीब करीब 1.5 घंटे तक सुनी भी। ठीक है, हम भी बिल्कुल पागलों की तरह बैठ के सुन रहे थे कि अब भी इन्फॉर्मेशन आएगी, अब भी इन्फॉर्मेशन आएगी, लेकिन लास्ट तक कोई भी किसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन हमें देखने को नहीं मिली। स्पष्ट रूप से इनडायरेक्टली उन्होंने बोला कि CBSE के जितने भी बोर्ड एग्जाम्स हैं, अपकमिंग जितने भी स्टेट्स के बोर्ड एग्जाम्स हैं, वो फरवरी तक नहीं हो सकते। ठीक है, फरवरी तक बोर्ड एग्जाम्स नहीं हो सकते। तो फरवरी तक भैया बोर्ड एग्जाम्स नहीं हो सकते तो JEE के एग्जाम्स हो जाएंगे। फरवरी वाला आप ऐसे मत समझिए कि फरवरी वाला JEE का एग्जाम्स कैंसिल होगा। कैंसिल क्यों नहीं होगा? इसीलिए उन्होंने फरवरी को 4 टाइम्स करवाया है कि किसी भी स्टूडेंट्स के अगर एक टाइम का एग्जाम छूट भी जाए तो नेक्स्ट जो एग्जाम होने वाला है JEE का, उस एग्जाम में वो पार्टिसिपेट कर सके। ठीक है, इसीलिए JEE के एग्जाम्स को करवाया गया। तो हम गोल गोल नहीं घुमाते हैं, नीट पर आते हैं। CBSE के बोर्ड एग्जाम्स कन्फर्म नहीं है कब होंगे। अब जब तक CBSE के बोर्ड एग्जाम्स कन्फर्म नहीं हो जाते, तब तक आपके NEET 21 के एग्जाम्स भी कन्फर्म नहीं होंगे, ये कन्फर्म है। ठीक है, समझ के चलिएगा, कोरिलेट कीजिएगा, बिकॉज इनडायरेक्टली समझना पड़ेगा यार। और रूल्स क्या है? डायरेक्टली तो हमारे पोकू चाचा बोलने नहीं वाले हैं कुछ आके, तो इनडायरेक्टली हमें ही तो समझना पड़ेगा। तो समझिएगा, जब तक CBSE के एग्जाम्स की डेट कंफर्म नहीं हो जाती, तब तक हमारे NEET 21 की डेट्स कंफर्म नहीं होगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस आ रहे थे कि इसके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो कब तक शुरू हो जाएंगे। तो भैया, एप्लीकेशन फॉर्म जब भी शुरू होंगे, मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप, अपने टेलीग्राम ग्रुप, अपने यूट्यूब अकाउंट सब पे इन्फॉर्मेशन डाल दूंगा कि आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो शुरू हो गए हैं और आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अभी तक कोई भी किसी भी प्रकार की इन्फॉर्मेशन नहीं है कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म शुरू होंगे या फिर नहीं होंगे। एग्ज़ाम के बारे में भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि पोस्टपोन होगा या फिर नहीं होगा, बिकॉज हम बोल सकते हैं कि पोस्टपोन कन्फर्म है। 99.99% पोस्टपोन कन्फर्म है। एग्जाम डेट अभी तक कोई भी कन्फर्म नहीं है। तो एक छोटी सी स्मॉल सी इन्फॉर्मेशन थी, डायरेक्टली बोल रहा हूँ, NEET 21 पोस्टपोन होगा। एंड ये आप लिख के रख सकते हैं, अगर नहीं होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, जोक था यार। देन आप अपनी फोकस कीजिए अपनी प्रिपरेशन पर, बाकी पल पल का अपडेट चैनल पर मिलता रहेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जो है वो आप सभी को मिल सके। एंड अच्छा रहा यार, आपने 1.5 घंटे का सेशन नहीं देगा, पूरा का पूरा बोरिंग था। ठीक है, ऊपर से गया, पूरा का पूरा बोरिंग था। एंड कंक्लूजन देख लीजिए, कुछ भी नहीं बोला, सिर्फ और सिर्फ कविताएं सुनाई गई। देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड हैव अ नाइस डे।